अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज मैं बैठा हूँ मर्सिडीज ए क्लास में। ये है मर्सिडीज ए 220 फॉर्मेटिक, और इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले एक गाड़ी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस गाड़ी पे कोई डैमेज नहीं है, जीरो डैमेज। तो फिर से इसमें वही मसला है, अगर आप इसकी गाड़ी को देखें, अगर चेसिस नंबर डाल के, तो फिर ये गाड़ी के अंदर अच्छा खासा डैमेज है, जो कि मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, ताकि जो भी ले उसका दिल खराब ना हो अगर वो वीडियो देख रहा हो। तो पहली चीज, अब इसमें आप लोगों को क्या, पिछली दफा मैंने बताया था कि गाड़ी फ्लड की भी हो सकती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन आया था उस गाड़ी पे कि गाड़ी डैमेज है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर ये हो सकता है, ये गाड़ी ना उठा ले, मैं गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा जी, तो मैं वहाँ से ना निकल आया था, वहाँ से मैं असल में निकला नहीं था, वहाँ पे मैं गाड़ी से बाहर निकला तो ऑक्शन शुरू हो गई थी, तो फिर ऑक्शन में बहुत शोर होता है, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की। अभी मैं एक मॉल में हूँ, इसकी पार्किंग में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो मैं अभी मॉल में अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैंने कहा ये वीडियो पूरी कर ले पहले अपनी, तो फिर अंदर चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बात कर रहा था ऑप्शन नंबर 3 की। अब इसके अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब मेरे ख्याल है 5-6 ऑप्शंस होंगे क्लीन गाड़ी की वहाँ पे, कि ऑप्शन में क्यों है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी। तो अभी ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम इस वीडियो में बात करें, तो ऑप्शन नंबर 3 ये है कि हो सकता है कि ये गाड़ी चोरी हुई हो, ठीक है, और इसको फिर रिकवर कर लिया गया हो, एज इन कर ले कि गाड़ी अमेरिका में कहीं पर चोरी हुई, फिर उसके बाद पुलिस ने वो गाड़ी ढूंढ ली, और फिर उसके बाद जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसको ऑलरेडी, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आप इंश्योरेंस आपको गाड़ी दे देती है, या तो दूसरी, या फिर पैसे दे देती है गाड़ी के अमाउंट के, अगर गाड़ी पुलिस को ना मिले, कुछ टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे हो जाता है कि जो गाड़ी चोरी हुई होती है ना, वो मिल जाती है, फिर कहीं अबैंडन खड़ी होती है, तो वो ये लोग गाड़ी उठा लेते हैं, तो फिर वो अपनी पुलिस हिस्ट्री में चेक करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ जी ये गाड़ी जो है ये चोरी हुई हुई थी। तो फिर जब ये गाड़ी मिल जाती है तो फिर ये लोग ऑक्शन में लगा देते हैं, फिर जितने की भी सेल हो गई उतने पैसे फिर गवर्नमेंट को मिल जाते हैं, या वो कहाँ जाते हैं वो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर जो लोग हैं इसको यहाँ वाले, अगर कोई ख़रीदता है तो वो गाड़ी शिप में बैठ के फिर यहाँ पर आ जाती है, यहाँ के ऑक्शन में, फिर यहाँ पर लोग उसको ख़रीद सकते हैं। तो ये आपको कैसे पता लग सकता है? ये भी आपको उसी चीज़ से पता लग सकता है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों के पास इंटरनेट होना चाहिए, और आप लोग इंटरनेट की सर्विस यूज़ करते हुए गाड़ी का चेसिस नंबर जब डालेंगे तो उसकी हिस्ट्री निकल आएगी। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं। पहला ऑप्शन तो था हमारे पास कि ये गाड़ी रिपेयर हुई हुई हो और फिर ऑक्शन में आई हो, तो ये भी आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि गाड़ी फ्लडेड हो, तो फिर गाड़ी बिल्कुल A1 कंडीशन में होती है, मतलब बॉडी वाइज, इलेक्ट्रिकल वाइज तो बहुत इशू होते हैं, ये भी आपको चेज नंबर डाल के पता लग सकता है। फिर जो थर्ड ऑप्शन है ये थेफ्ट रिकवरी वाला, ये अब इसका मुझे कन्फर्म नहीं है कि ऑप्शन में वो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी है हमारे पास। फिर इसमें फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन भी होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में कोई और साफ गाड़ी देख के कि हमारे पास और फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन क्या है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ये वाली वीडियो लाइक करनी है, बेल आइकन भी दबाना है साथ, ताकि आप लोगों को अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों को पता लग जाए कि इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल साफ़ है लेकिन ऑक्शन में भी है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।